मेहनत तो करनी पड़ेगी, नो डाउट। 50 बार ये मन में आता होगा, अरे यार कितना करना है, पिछले बार भी मैंने पूरा पढ़ा था, गलती से फेल हो गया, इस बार भी साला पूरा का पूरा वापस से पढ़ना पड़ रहा है, जीवन में मैं जीवन भर यही करते रहूंगा क्या, मेरी एज हो रही है, टाइम हो रहा है। अरे तुम्हारी कुछ भी एज नहीं हुई है, सबसे पहले ये बात समझो, तुम्हारी कुछ भी एज नहीं हुई है अभी तक की, ठीक है। दूसरी बात, नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे फर्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखना, बिल्कुल नंबर ऑफ अटेम्प्ट से फर्क नहीं पड़ता, ना आपके आर्टिकलशिप पे फर्क पड़ेगा, ना ही जब आप क्लियर कर लोगे उस पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बराबर है। और फर्क तब पड़ेगा ना जब तुम्हारा जॉब करना हो, तुम क्या सोच के बैठे हो, हाँ अटेम्प्ट लग गया अब मुझे जॉब कौन देगा। अबे हम उस प्रोफेशन में है जहां पे सिर्फ जॉब ही नहीं की जा सकती, बहुत कुछ किया जा सकता है, हमारा स्कोप इतना बड़ा है, समझ रहे हो आप बात, हम प्रैक्टिस कर लेंगे। अरे किसने बोला जॉब ही करने का है, खुद का धंधा कर लेंगे। डिग्री इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर लाइफ। बिजनेस कर सकते हो खुद का, ऑलरेडी डैड का एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा, घर वालों का एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा, सीए पढ़ के आए हो, कई चीजें अप्लाई कर सकते हो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तुमने पढ़ा है, कई चीजें अप्लाई कर सकते हो। किसने बोला तुमको जॉब ही करना है, क्यों ये सोच के बैठे हो कि हाँ मेरे को कोई कंसिडर ही नहीं करेगा। अरे नहीं करे, तेल लगाने गया कोई कंसिडर नहीं करेगा, तुम खुद के बॉस बनो, खुद का प्रैक्टिस करो, क्यों ये सोच करके बैठे हो। देख भाई तेरा ऑब्जेक्टिव है लाइफ के अंदर में क्या करने का, अचीव करने का, क्या अचीव करने का, डिग्री अचीव करने का, ताकि तू अपने आप को सेटिस्फाई कर सके, भाई मैंने पढ़ा है, मेरे पास 10 तरीके का नॉलेज है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझ में आई बात। स्टॉक मार्केट में एंटर कर लेना खुद से, किसने बोला मेरे भाई तेरे को कि तेरे को सिर्फ जॉब करने का है। यस, क्या फर्क पड़ जाएगा जो तू सोच के बैठा है, मेरे को 50,000 60,000 तुरंत इमीडिएट इनकम मिलेगा, अरे लेट मिलेगा पर थेट मिलेगा, समझ में आ रही है बात तेरे को। प्रैक्टिस में बहुत स्कोप है सर, कैसे प्रैक्टिस में स्कोप है, मेरे को तो कोई जानता भी नहीं, जब हम भी प्रैक्टिस में उतरे थे हमको भी कोई नहीं जानता था, आज जानते हैं, तो कुछ तो मेहनत खुद से करोगे, और इतना बड़ा वर्ल्ड है मेरे भाई, यस और नो, सिर्फ जो पर्सन जिंदा है उन्हीं का नहीं, जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है उसका भी हम टैक्स निकालते हैं, समझ में आ रही बात। तो इस बात को तो सोचना बंद कर दे, मेरे को जॉब मिलेगी क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट से। अरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी टीचर को पूछ, कुछ फर्क नहीं पड़ता नंबर ऑफ अटेम्प्ट से, समझ में आई बात। तो ये थॉट जरा अपने दिमाग से निकाल कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट में फिर आर्टिकलशिप सही जगह नहीं मिलेगी। अच्छा जिनको मिली है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, पूछ जरा उनसे जिनको अच्छी जगह मिल गई, खुश है क्या। आर्टिकलशिप का ऑब्जेक्टिव ये है कि तेरे को वहां पे तेरा जीवन नहीं बिताना है, आर्टिकलशिप का ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, आर्टिकलशिप का ऑब्जेक्टिव बड़ा ये है कि तेरे को जाना है मल्टीपल वर्क सीखना है, ये अच्छी जगह बुरी जगह क्या होता है मेरे को तो ये नहीं समझ आता। तुम सोच के देखो ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तुम ओ सी ए जो ऑलरेडी एक प्रैक्टिस सेट करके बैठा होगा खुद के दम पे, तुमको उसको जज करना है कि वो अच्छा कर रहा है या नहीं। अरे तुम्हारी औकात क्या है पहले ये तो देखो, हो कौन तुम भाई, एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, एज अ फ्रेंड बात कर रहा हूं, तुम हो कौन, औकात क्या है तुम्हारी, एक क्लाइंट तुम्हारा नहीं, जो आदमी ऑलरेडी 200-500 फाइल लेके बैठा होगा तुमको वो चेक करना है ये सही है या नहीं है। सर फिर बिग फोर जाने की इच्छा है, अबे इच्छा का क्या होता है, काम सीखने से मतलब होता है, तुझे कहीं पे भी जिंदगी भर नहीं रहना है, एक बात याद रख, चाहे वो बिग फोर हो या बिग फोर नहीं हो, डजेंट मैटर, मिड साइज फर्म में भी अगर तूने ईमानदारी से काम सीखा, आर्टिकलशिप का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि तुम इससे कई ज्यादा डिजर्व करते हो, जितना आर्टिकलशिप में मिलता है ना तुम इससे कई ज्यादा डिजर्व करते हो, आर्टिकलशिप में जो तुमको मिलता है ना उससे ज्यादा ऑफिस का बॉय कमाता है, सो आर्टिकलशिप में अच्छी जगह लगूंगा तो अच्छी इनकम आएंगी तो मेरा कुछ भला हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, ये जो पैसा आ रहा है ना तेरा इससे तेरा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, एक फाइनल की क्लास भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, समझ में आ रही बात। तो वो तू उस पर दिमाग लगाना छोड़ दे कि भैया मेरे को आर्टिकलशिप सही जगह पे मिलेगी कि नहीं। मिड साइज फर्म में भी अगर तूने काम अपने आप को स्किलेबल बना, एम्प्लॉयबल बना, सारी चार्जे सी मिड साइज फर्म में रहे, मिड साइज फर्म में भी रह के अगर तू सारे काम सीख जाता है, जरूरी नहीं है सी बिग फोर में जाएगा एक चीज में तेरे को स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा ठीक है, पर तू सारे काम सीखना, क्या पता तेरे को जीएसटी में इंटरेस्ट आ जाए, सब्जेक्ट पढ़ते वक्त तेरे को डीटी अच्छा लग रहा, काम करते वक्त जीएसटी अच्छा लग रहा, कंपनी इनकॉर्पोरेशन का काम तुझे अच्छा लग रहा है, अकाउंटिंग का काम अच्छा लग रहा है, ऑडिट का काम अच्छा लग रहा है, तो तू तेरा काम खुद कर पाएगा ना मेरे भाई, समझ में आ रही बात। तो ये जो सपने बना रहा है ना तू अभी आईपीसीसी में बैठ के कि आर्टिकलशिप करूंगा, पहले उसके लिए पास होना पड़ता है और पास होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो अभी से तू अपने सपने बनाए बैठा है ना, और ये सपनों में 1-2 घंटे वेस्ट कर रहा है कि मैं सीए बनूंगा तो ऑफिस ऐसा रखूंगा, फिर मैं टीचर बनूंगा तो ऐसा पढ़ाऊंगा, यू नो फिर मैं ये करूंगा तो ऐसा होगा, और ये लाखों करोड़ों के सपने जो तू आज लेकर के बैठा है, ये धंधे बंद कर, चुपचाप धंधे पे ध्यान दे और मेहनत कर,
क्योंकि तेरी मेहनत ही तेरे को आगे बढ़ाएगी बेटा लाइफ में। 100 नहीं, 200% दे, और किसी और से अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दे। वो इतना ज्यादा है, वो इतना कर रहा है, उसका तो इतना हो गया, मेरा तो इतना हो गया। ये सब धंधे में पड़ने का ही नहीं। अपन ने एक चीज याद रखने का, कल से मैं बेहतर अगर आज कर रहा हूं तो बस काम खत्म। अपने को इतना ही ध्यान में रखने का है। अपन एवरेज बच्चे, अपन ने इतना ध्यान रखने का, कल से अगर आज मैं बेहतर कर रहा हूं तो दिस इज द बेस्ट थिंग, आई विल डू इट, गेम ओवर। गेटिंग इट और नॉट, चला जा।